हर दिन तेरो कोई ना सहाय, हर दिन तेरो कोई ना सहाय, हर दिन तेरो कोई ना सहाय, हर दिन तेरो काकी मात पिता सुत बनता, काकी मात पिता सुत बनता, को काहू को भाई, को काहू को भाई, हर बिन तेरो कोई ना सहाई, हर बिन तेरो कोई ना सहाय, हर बिन तेरो धन धरनी और संपत्ति सगरी, धन धरनी और संपत्ति सगरी, जो मान्यो अपनाई, जो मान्यो अपनाई, हर बिन तेरो कोई ना सहाय, हर बिन तेरो कोई ना सहाय, हर बिन तेरो तन छूटे कछु संग न चाले, तन छूटे कछु संग न चाले, कहाँ ताही लपटाई, कहाँ ताही लपटाई, हर बिन तेरो कोई ना सहाय, हर बिन तेरो कोई ना सहाय, हर बिन तेरो दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तास्यो रुचि ना बढ़ाई, तास्यो रुचि ना बढ़ाई, हर बिन तेरो कोई ना सहाय, हर बिन तेरो कोई ना सहाय, हर बिन तेरो नानक कहत जगत है मिथ्या, नानक कहत जगत है मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई, ज्यों सपना रहनाई, हर बिन तेरो कोई ना सहाय, हर बिन तेरो कोई ना सहाय, हर बिन तेरो राधा स्वामी। राधा स्वामी, आपने प्यारा शब्द सुना गुरु नानक साहब की वाणी का कि उसके बगैर तुम्हारा कोई सहाय नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है, और बात भी ठीक है, ये सारा जगत मिथ्या है, स्वप्न है, देख लो, आप खुद ही अनुभव करो, लेकिन हम इसको सत्य मानकर बैठ गए कि यही सत्य है, कुछ नहीं। वास्तव में इंसान अज्ञान में यहाँ पता नहीं क्या क्या करता है, कैसे भूलता है, कैसे दौड़ा हुआ है, और उसके पीछे क्या है, उसके दौड़ने के पीछे क्या है, उसकी इच्छा है, उसकी कामना है कि ये भी पूरी हो जाए, ये भी कोई दुनिया मांगने के दौड़ा हुआ है, कोई दुनिया की ज़रूरतों के लिए दौड़ा हुआ है, कोई बच्चों की शादियों के लिए दौड़ा हुआ है, कोई नौकरी के लिए दौड़ा हुआ है, कोई बीमारी के लिए दौड़ा है, दौड़ लगी हुई ना। हालांकि कुदरत में कोई बीमारी नहीं है, कुदरत में मालिक ने हमारे शरीर में हर चीज़ पूरी रखी है, पूरी पूर्ण है हमारा शरीर,
दुनिया का कोई और चीज़ पूर्ण नहीं है, एक इंसान है जो पूर्ण है, जिसमें पूरे पांच तत्व हैं, पूरे ज्ञान इंद्रियां पांच हैं, पूरे कर्म इंद्रियां पांच हैं, और चार मन चित्त बुद्ध अहंकार 14 तरह के हम कंप्लीट हैं। लेकिन फिर भी हम भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमें इच्छा है, हमें ख्वाहिश है, हम कुछ चाहते हैं, वो चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसका कभी शुक्रिया नहीं करते कि मालिक ये मुझे आपने दे दिया, ये दे दिया, तेरा बहुत शुक्र है। नहीं, उसका शुक्र नहीं है, मांगना है और मांगना और मांगना। तो उससे क्या होगी? फिर चिंता बढ़ जाती है, और चिंता बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? आदमी भटकेगा। तो इसलिए आज आपको मैं एक शब्द सुनाता हूँ, दाता दयाल जी महाराज लिखते हैं। हालांकि शुरू की अगर दाता दयाल की वाणी को देखा जाए तो वो भी बड़े, उन्होंने बड़े पापड़ वेले हैं। मेरे बाबा फकीर ने भी अपने जीवन का सब कुछ बताया हुआ है, बात समझ गए? तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा, अपनी बात करूँगा कि मैंने क्या पाया, मुझे कैसे विश्वास हुआ कि हरि बिन कोई बिना सहाय नहीं है, जो मैं कैसे कहता हूँ। और हरि क्या है? वो हरि तो कभी किसी ने देखा नहीं, बात समझ गए? ना वो देखा जा सकता है। तो उसको संत मत में गुरु के रूप में माना गया है, और गुरु ही सब कुछ है। जैसे कहते ना, गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद को मिलाने वाला गुरु है, तो मिलाने वाला बड़ा हुआ या मिलने वाला बड़ा हुआ? मिलाने वाला बड़ा हुआ, उसके हम धन्यवादी होते हैं। और वो है गुरु। वो कैसे मदद करता है? शब्द पढ़ो दाता दयाल जी महाराज का। वो क्या कहते हैं? जिंदगी में क्या करना चाहिए, जिंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, तुम कैसे तुम्हें रहना चाहिए, वो बताने जा रहा हूँ। और इसमें मैं अपने जीवन की घटनाएं भी आपको बता दूंगा कि मैंने जब से हुजूर बाबा फकीर महाराज के चरणों में आया, मेरा जीवन कैसे बना, मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला, और क्या मैंने कुछ किया। मैं अब देखता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको मैं सच बताता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो होना था वो खुद ही करवाता रहा। पहले प्लानिंग बनाई हुई और उसने कि ये होना, ये होना, ये होना, ये होना, ये होना, सब कुछ पहले किया हुआ है। इसलिए मुझे विश्वास हो गया कि मेरा हरि है और वो ही सहायता करता है। कोई देवी, कोई देवता, कोई सहायता नहीं करता, सिर्फ वो ही सहायता करने के लिए आता है। कैसे चलो पड़ा राधा स्वामी। चिंता चित से तज दे सहाई, चिंता चित से तज दे सहाई, सतगुरु करेंगे तेरी सहाय। चिंता चित से तज दे सहाई, सतगुरु करेंगे तेरी सहाय। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सब गुरु मत को मानने वाले हैं, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ दाता ने लिखा है चिंता चित्त की तज दे, मन की नहीं कहा, मन की नहीं कहा चिंता। इसमें बड़ा फर्क है, इसको समझने की कोशिश करना। मन की चिंता तुम टाल सकते हो। मन में कोई चिंता आई, तुमको फिल्म देखने चल जाओगे, वहाँ चिंता थोड़ी दूर हो जाएगी। तुम दोस्तों में बैठ जाओगे गपशप मारने के लिए तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। किसी सत्संग में चल जाओगे तब भी तुम्हारी चिंता के लिए चिंता दूर हो जाएगी ना। लेकिन जो चित्त में चिंता चली गई है, चित्त में अंदर, मन के बाद अंदर चित्त है, जो चिंतन करता है, जो विचार करता है, जो सोच करता है, अगर उसमें चिंता चल जाए तो वो नहीं निकलती। वो तुम्हें बेचैन करती रहेगी। तुम जहाँ मर्जी जाओ, किसी संगत में जाओ, संगीत सुनो, को मर्जी करो, जैसे वहाँ से उठोगे फिर तुम्हारे अंदर वही आग बढ़ उठेगी। बात समझ गए? तो दाता दयाल जी कहते हैं कि तुम चित्त की चिंता छोड़ दो, फिर कौन तुम्हारी सहायता करेगा?
सतगुरु तुम्हारी सहायता करेगा। अब मैं आपको इसका एक मिसाल देता हूँ, अपनी देता हूँ और नहीं किसी की मिसाल। मेरे साथ जो बीती मैं वो बताता हूँ कि मेरी चिंता कैसे दूर हुई, मेरी चिंता कैसे दूर हुई, मेरी सहायता मुझसे सतगुरु ने कैसे की वो मैं बता एक एग्जांपल दूंगा। बाकी मेरी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ हुआ। मैं धर्मशाला में था 1970 में, बाबा फकीर जी महाराज मेरे पास गए, चार या पाँच दिन रुके, बहुत अच्छा रहा, बहुत दुनिया आई, बड़ी रौनक लगी रही। मैं ऐसे आपको समझा कि मैं कहीं स्वर्ग में हूँ, दुनिया में नहीं हूँ। छुट्टियाँ थी, महाराज जी ने प्रागपुर आना था, तो महाराज जी को उनके साथ मास्टर मोहन लाल था, हुकुम सिंह थे, नारायण दास था, पंडारो थी, ये सब चार चार पांच आदमी थे जो कुल्लू से सीधे मेरे पास आए थे। तो महाराज जी गाड़ी में बैठ गए और चली गई गाड़ी। इतने में दो प्रोफेसर आ गए मेरे घर, तो मैंने सोचा महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं कह शर्मा जी आप लेट हो गए, मेरे सतगुरु तो चले गए, लेकिन उनको क्या पता सतगुरु किसको कहते हैं, प्रोफेसर लोग तो प्रवाह नहीं ना करते। कहते नहीं कमल जी, हम तो आपको बताने आए कि आपकी ट्रांसफ़र हो गई। मैंने कहा कहाँ की ट्रांसफ़र हुई है? रामपुर बुशहर की। मैंने कहा वो रामपुर बुशहर कहाँ है? कहते शिमला से 80 किलोमीटर और दूर। मुझे बात कही और चले गए। मैं जरा थोड़ा परेशान होके अपने कमरे में चला गया कि बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, कितनी दूर जाना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ रसोई से आई, कहती प्रोफेसर आए थे, क्या कह के गए? मैं कहा मेरी ट्रांसफ़र हो गई। तो कहाँ की? मैं कहा रामपुर बुशहर। वो कहाँ है? तो आप क्यों ऐसे परेशान हो गए? महाराज जी के पास जाओ। देखो औरतों का कितना बड़ा तारा होता है। आप महाराज जी के पास जाओ, अभी प्रागपुर में हैं, तो जैसा वो कहें हमने वैसा कर लेना। चलो मैं उठिया दबा सट जेब में पर्स डाला, अगली बस आई उसमें बैठ गया। वो बस वहाँ से 2 किलोमीटर पर रुक जाती है और फिर गांव जाता है। तो मैं वहाँ से पैदल चला गया, महाराज जी के पास पहुँच गया। बस उतरी, बस से उतरा, तुम्हें पता भी नौजवान नहीं थी, खूब स्पीड से चला और मैं 15-20 मिनट में पहुँच गया। महाराज जी अभी बैठ कर हुक्का पीने लगे थे, मैंने जाकर मत्था टेक दिया। कहते बच्चा मैं तेरे से अभी तो आया, क्या बात हुई? मैं कहा पिताजी मेरी ट्रांसफ़र हो गई। कहाँ की? मैं कहा जी रामपुर बुशहर। वो कहाँ है बेटा? मैं कहा पिताजी वो शिमला से भी 80 किलोमीटर आगे है, पहाड़ों में आगे। महाराज हुक्का पी रहे थे, एक घूट खेचा। बेटा जाओ, बहुत अच्छा हुआ, एक जगह पानी गंदा हो जाता है। बात को सुना, एक जगह पानी गंदा हो जाता है, जाओ खुशी से जाओ। ले अपा शेर हो गए, मौजूदा हुक्म है, ये तो मिलना पहना। ठीक है मैं आया, बहुत से बात की। मैं कहा ऐसे ऐसे मारे नहीं बोला। कहते जाओ ठीक है। गया ट्रक किया, 500 रुपये में ट्रक मिल गया, 500 रुपये में ट्रक मिल गया, सारा सामान रख लिया, थोड़ा सा सामान रहने दिया क्योंकि अभी मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया, मैं कॉलेज भी नहीं गया, कोई लीविंग चिट नहीं ली, कुछ नहीं लिया। देखो मेरा आप मेरे दिमाग का काम देखो, मुझे चाहिए था मैं कॉलेज जाता, वहाँ से लीविंग चिट लेता कि मेरी ट्रांसफ़र वहाँ हो गई है, तब तो कोई बात बनती ना। ये दिमाग में ही नहीं बात आई कि मुझे लीव भी होना है। ट्रक में रखे सब कुछ रख लिया, सिर्फ उतना सामान रखा जो बच्चे पीछे 2-3 दिन रह ले और फिर मैं आके ले जाऊँगा। ट्रक में बैठा एक रात, रात में रास्ता बहुत लंबा, शिमला रुकना पड़ा, शिमला से आगे जाकर। तो सुबह हम 2 बजे वहाँ पहुँच गए। तो प्रिंसिपल के कमरे में मैं चला गया। मैं कहा सर मेरी ट्रांसफ़र हो गई आपके कॉलेज की, मैं सामान ले आया हूँ, मेरा सामान रखवा लो किसी कमरे में। वो प्रिंसिपल कहता मुझे दिखाओ तुम्हारा ट्रांसफ़र कहाँ है। मैं कहा सर मैं लीव होकर नहीं आया। कहते आप कैसे प्रोफेसर हैं जो लीव होकर नहीं आए? मुझे कहते सामान रख लूँ, मैं कैसे रख लूँ? वो इनकार करता जाए, लेकिन मालिक बड़ा बेअंत है, बाबू सुनता था, बाबू आ गया। कहते सर कोई गल नहीं, मैं कल्ला रहना, मेरे 2 कमरे खाली है, तुम सामान उसे रख लो।
चलो ट्रक निचल गए, सामान वहाँ रख दिया, सामान रख दिया। तो उस ड्राइवर को पूछा तू अब वापस जाना है? हाँ जी, कहना मैं वापस, मैं कह मैनू नाल ही ले चल। मैं वापस उसी पैसे में वापस आ गया धर्मशाला, और वहाँ से लीव हुआ, कॉलेज का शुक्रिया किया, और सामान जो छोटा मोटा था बस में बैठे सुंदरनगर पहुँच गए। सुंदरनगर मेरा साला था, दो दिन वहाँ रहे, फिर शिमला पहुँचे, शिमला एक रात रहे, फिर सुबह 4 बजे बस पड़ी और तीसरे दिन जाकर हम वहाँ पहुँच गए। अब आगे की कहानी सुनना। अब वो इलाका पंजाब से कोई मतलब नहीं रखता, हालांकि वहाँ पंजाबी बहुत ज़्यादा है। नवा शहर के लोगों की दुकानें बड़ी बड़ी, सोने की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, लेकिन वहाँ की खुराक, वहाँ का रहन सहन वो डिफरेंट है। फ्रूट बथेरा बहुत है, मांसाहारी लोग ज़्यादा हैं। तो एक दिन मैं आया कॉलेज से, तो सब्जी दे गई, सेब हमारे चारपाइयों के नीचे पड़े रहते थे, इतना सेब, बच्चे ऐसे आधा खाते थे आधा फेंक देते थे, छोटे थे। तो मैंने कहा, मेरे को कहने मेरे भाई आज वो सब्जी देने वाली कहने सी, भैन जी साहब ठंडी चाह पीते हैं, साहब ठंडी चाह पीते हैं। कहनी मैं पूछा ठंडी चाह की होंगी, उन्हें बोतल कड़ के दिखा दी कहीं नहीं पीने। मैं कह भी चंकी गल, इतने ठंडी चाह भी मिलती है। एक साल बहुत मुश्किल से काटा, आपको मैं सच बताता हूँ। फिर मैंने अंदर से जल में उठा, चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी, बाबा फकीर जी महाराज को चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी कि मैं ऐसे फील करता हूँ कि मैं जैसे जल से मछली अलग हो जाती है, मैं ऐसे तड़प रहा हूँ। मेरे सतगुरु, मैं दर्शन करने के लिए रह गया, मुझे सत्संग नहीं मिलता है, थे दर्शन नहीं, मुझे ऐसा करो कि अपने नज़दीक ले आओ, मैं दर्शन कर सकूँ। कोई समझ लो 10 महीने हो गए से, मैंने साल में से होया। तो चिट्ठी बड़ी दर्द दी पढ़ के लिखी मैं आया, और मैंने पोस्ट कार्ड आ गया, पोस्ट कार्ड, बच्चा चिंता क्यों करता है, 1-1.5 साल के अंदर तेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैं 1.5 साल नहीं पढ़े, मैं 1 साल पढ़िया, 1 साल पढ़िया, कॉलेज तो आया, चिट्ठी मेरी जेब च, मैं सामान बनना शुरू कर दिया, छुट्टियां हो गई, सामान बांधना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा विश्वास, सतगुरु का आशीर्वाद। प्रोफेसर एक आया, कहते कमल जी क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं सामान बांध रहा हूँ। क्या बात? मैं कहा मेरी ट्रांसफ़र हो जानी है। कहने हो गई? मैं कह नहीं हो जानी है। इतने कहना 20 साल उन्होंने हो गए, 15 साल उन्होंने, इतने नहीं होंगी ट्रांसफर रामपुर विशेष तो किसी नहीं, इतने नहीं होंगी। मैं कह देखो अपा ने समान बन के बंद किया, बच्चे नाल लिया, बस फड़ी शिमले, शिमला से टैक्सी ली कालका, कालका से गाड़ी पकड़ी फुबाड़ा, फुबाड़ा से पकड़ी शाम को घर आ गए। बात भूल गए, कुछ नहीं, कुछ घर की रिपेयर करनी थी। मैं ऊपर कोठे पर चढ़ा हुआ हूँ, मिस्त्री लगे हुए हैं, अब सुनना कैसे, संभाल कैसे होती है, मैं वो बताने लगा। तू चिंता छोड़ दे, तेरी संभाल कैसे होगी? मेरे को चिंता थी ना कि हाय मैं कितने फंस गया। एक आदमी आया मेरे गांव का, सीधा साधा, जिसका नाम दयाराम, वो मैनू पाड़ू क्या करता सी, पाड़ू, उसनू नहीं पता सी मैं कितने हैं। वो आके खड़ा हो गया नीचे, मैं कान के ऊपर हूँ, आगे से सड़क जाती है, वो पाड़ू तू कितने उन्ना? मैं कहा बाबा जी मैं तो बहुत दूर हूं ना, कितने हूं ना? मैं कहो रामपुर बशहर। वो केड़ा इतने रामपुर बशहर? मैं कह शिमले तो, वो तेनू उत्थे के नीचे आ, नीचे आके गल दस। मैं नीचे आ गया, बच्चो मैं सारी गल दसी, ले तेनू उत्थे के भेज दिता। मैं कहा सरकार ने, कहता तू सवेरे 6 बजे तैयार हो जाए, कोई गल नहीं, कोई सी गल हुई, तू सवेरे 6 बजे तैयार हो जाए, मैं तेरे को साथ लेके चलना है, तेरे को वहाँ से लाना है। मैं सवेरे तैयार हो गया, साइकिल लेके आ गया, और वहाँ से जूँ चले, मतलब मैं, मेरा गांव तो नज़दीक ही था ना, तो यहाँ से 7 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो जहाँ पहुँचे, जहाँ से साइकिल लिया, चब्बेवाल पहुँच गए, चब्बेवाल भी नज़दीक ही है। तो
तो वहाँ एक लीडर था जो वो मुझे एमए में जब मैं पढ़ता था जानता था, उसका नाम चौधरी पता नहीं चौधरी कहने सिंह नाम भुल गया, कहना चौधरी तो मुंडे भी जानता, कहने ले हद हो गई ये एमए च पढ़ता सी मैंने दादा मैं वाकफ है उत्थे मिलते होंगे सी असी ये मुंडे की ट्रांसफर करानी है इसनू बहुत दूर भेज दिता है, कहना कितने शिमले, कहना चल चलिए हले उत्थे 8:20 बजे से 8:20 बजे थे उन्हें थैला चक्या मैंने बिठा लिया बस से असं चंडीगढ़ पहुँच गए देखो, और वो अपने वापस चले गया चंडीगढ़ पहुँच गए असी चंडीगढ़ मेरे ख्याल पता नहीं की टाइम होगा ते वो रिक्शा लिया 3-व्हीलर लिया तो पता किया सेक्रेटेरिएट में कहते वो तो मीटिंग में है, तो हम वहाँ पहुँच गए मैनू रिक्शा 3-व्हीलर से बैठा रहने दिता, कहने बेटा बैठ मैं जरा आया, वो अंदर चला गया अंदर जाके वापस आया कहने काका कोई कागज़ हैगा, मैं कहा कागज़ तो मेरे कोई नहीं है, तो बच्चे स्कूल जा रहे या स्कूल तो आ रहे, मैं कहा बच्चों मैं कागज़ चाहिए, 5-6 बच्चे सारे ने बस्ते खोल दिते, अंकल जी मेरे तो ले लो जो सब तो छोटा सी, मैं कहा तू दे कभी हथे उन्हें कागज़ कट के देता, मैं कहा ले कापी का कागज़ लेके वो अंदर चला गया और 5 मिनट में वापस आ गया, बहुत अच्छा लिखा उसने कि द पीरियड ऑफ दिस लेटर इज माई पर्सन ही शुड बी एडजस्टेड वेयर ही बांट्स, उसके जहाँ लगाओ जहाँ जो चाहता है, चलो कागज पा लिया जेब च, हूँ सोचे हूँ इतने उठना चलो शिमले चलिए, बस फड़ी शिमले बसा बड़िया तेज चल दियाँ, वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि मंत्री जी तो टूटते हैं, मंत्री जी टूटते हैं, उन्होंने 2 दिन बाद आना, कहना देख बच्चा इतने रुकेंगे खर्च होना होटल च रुकेंगे किन्ने पैसे खर्च होना, 2 दिन बहुत ज़्यादा होंगे असी की करना चल वापस चलिए, असी वापस आ गए असी 8 बजे हुशियारपुर पहुँच गए इतने, तो मैं घर चला गया, कहना बुधवार को सरदार अमर सिंह चौधरी रेलवे मंडी में रहते थे, शायद आप जानते होंगे अमर सिंह चौधरी पंजाब कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी था, उसके घर में भोग था अपने श्री गुरुवंत सब का, कहता मैं वहाँ हूँगा तो तूने सुबह ही वहीं आ जाना, मैं वहाँ आ गया, कहता देख बाहर आ गया, कहता देख बेटा 2 जने जावांगे कितना खर्च पैना, ये जड़ी चिट्ठी है ना इन लिफाफे च पा ला, ये बंब है तो तू कल चल जा, लो मैं ज्यों बस फड़ी चंडीगढ़ तो असी मैं उत्थे पहुँच गया 1:30 बजे मैं शिमले, जिदा कुछ होना हुंदा मैं अंदर गया 2 बजे जाते अंदर चला गया, तो पहले सेक्रेटरी नूं मिलिया सेक्रेटरी ने लिफाफा खोलिया कहिंदा सॉरी बच्चा ये साहब दे नाते है तू साहब जी पुछणगे कि खोलिया तू दस दे आपके सेक्रेटरी ने खोलिया, मैं गया तो मंत्री जी पीजी कुछ कर, मैं क्या मैं ही कमी सर कहते आ जाओ बच्चा, मैं जाके चिट्ठी फड़ाती दिल में धड़कन भी होंगी है मंत्री को मिलना, कहना बच्चा बह जा मैं कुर्सी पर बैठा सुनते रहना, घंटी बजाई चपरासी आ गया चाय लाओ 2 कप नाल बिस्कुट भी लेके आना, चाय आ गई ले बच्चा बिस्कुट खा बिस्कुट भी खा लिए सुनते जाओ, मेरा मैं वह कोई केस लगता सी मंत्री तो कहना गल नहीं करता बिस्कुट खा लें, मैनू कहने हुण दस बच्चा कितने जाना तू कितने दी ट्रांसफर चाहता, मैं कहा सर मैं किसी के घर नहीं जानना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे हुशियारपुर के नज़दीक कहीं भी लगा दो, और बिलासपुर नज़दीक पड़ता है मैंने हमीरपुर नहीं कहा बिलासपुर नज़दीक पड़ता है, मैं वहाँ से अपने घर हुशियारपुर जा सकता हूँ आ सकता हूँ, टेलीफोन चक्या डायरेक्टर शर्मा जी शर्मा जी थे ये नोट करो एक इमीजिएट ट्रांसफ़र मेरा नाम लिया सो इमीजिएट ट्रांसफ़र फ्रॉम रामपुर विषय टू गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर, अभी बहुत दस बच्चा वोट सेवा, मैं कह सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मैं बाहर आया मैं बड़ा खुश
हूँ मैं घर पहुँच जाना और खबर देंगे, बड़ी खुशी होनी है। सड़क पर आ गया बस पकड़ने के लिए, आगे एक क्या नाम मैं भूल गया बेचारे का, वो आ रहे हैं आगे, 6 फुट लंबा, धर्मशाला थे वो सुपरिटेंडेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो कभी कभी हम सैर करने इकट्ठे चलते थे। ओहो कमल जी आप कहाँ, वो आगे आ रहे हैं मेरे सामने, आप कहाँ, मैं क्या यार मैंने नाम भूल गया बेचारे, बड़ा भला जहा ना, मैं क्या मैं मेरी ट्रांसफ़र रामपुर से वहाँ हो गई है, तो अब मैं घर जाऊँ, घर क्यों जाना, घर नहीं जाना, चलो मेरे साथ। उतो मुड़ पिया, कहता अभी ट्रांसफ़र ऑर्डर लेने हैं, रात मेरे पास ठहरना है, सुबह जाना है, लीव होना है, लीव होकर बिलासपुर ज्वाइन करना, फिर कर जाना। उन्हें किसने भेजा, जोशी उसका नाम से, उन्हें किसने भेजा, वहाँ से तुरे, आगे होता था पीसीओ में टेलीफोन उसने किया डिपार्टमेंट में, ठाकर वो पीए को किया, ठाकर जी कोई ट्रांसफर ऑर्डर हुए हैं, हाँ जोशी साहब हुए हैं कि कोई कमल जी हैं उनका बड़ा मीजिए ट्रांसफ़र है वहाँ से बिलासपुर, कहते मैं आ रहा हूँ अभी लेना है ऑर्डर, कहते बस टेंशन निकाल दिया, उसी 1.25 घंटे चौथे पहुँच गए, भाई हैंड लिए ऑर्डर, अब घर चलो। क्या मेरा कोई रिश्तेदार था, कोई भी नहीं, घर ले गया, 4 बजे घर पहुँच गए, उसकी वाइफ ने पानी गर्म करके मेरे पैर तो आए, तो ठंड सी अगस्त का महीना और बिला तुम पता शिमला ठंडा होगा, रात को बड़ा आराम से खाना खिलाया, कहते सुबह 4 बजे आपको गाड़ी में हम पकड़ाए बिठाएंगे और परौंठे बना दिए, पतन में बांध भी दिए खाने के लिए रास्ते में, और मुझे 3:30 बजे बस स्टैंड पर छोड़ने गया वो आदमी, 3:30 बजे में बैठ में बैठा, 2 बजे में वहाँ पहुँचा, आप समझ गए। तो प्रिंसिपल के सामने जाके मैंने अपने ट्रांसफर ऑर्डर रख दिए, कहता जी फेक है ये फेक है, ये इतनी जल्दी कैसे आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, ये नहीं हो सकती, वो बड़ा बढ़िया आदमी सी, होते हैं ना कई लोग घर में भी दुखी बाहर भी दुखी। मैं कह सर मेरी ट्रांसफ़र है आप मुझे रिलीव करो, कहते मेरे पास तो ऑर्डर पहुँचे नहीं, मैं कह फिर ऐसा करो और टेलीफोन ज़रा मेरी वल करो, मैं थोड़ी गल CM नाल करा दिना हूँ, फिर वो डर गया, फिर मेरे को ट्रांसफर किया, ताला तोड़ा, नहीं मैं रिलीव होकर उपर आ, मैं कह नहीं पैसे भी मैंने चाहिए, मैं सामान ले जाना, तो वो कहता कल मिलेंगे, मैं रुक गया कोई गल नहीं, मेरा कमरा हैगा ऊपर, मैंने ताला तोड़ा, रात रहा सवेरे आ गया, जब पैसे लेकर मैं सड़क के ऊपर आया तो ऊपर पेट्रोल पंप है वहाँ एक ट्रक खड़ा, इधर को हूँ, मैं कहा पायलट साहब किधर जा रहे हो, कहता धर्मशाला क्या, मैं कहा बस भाई मैनू बिलासपुर ले चलोगे, कहना हाँ बिलासपुर ले चलेंगे आप, मैं पैसे दसो मेरा थोड़ा जहा सामान लेके चल, कहना 500 दे दियो, सामान रखा बिलासपुर। अब बताइए मैंने किसी को कहा, मैंने दयाराम को कहा कि मेरी ट्रांसफ़र कराओ, या चब्बेवाल वाले को कहा, या जोशी साहब को कहा कि मैं इदा इदा, कैसे हुआ, कैसे हुआ ये सारा खेल, पढ़ो जय हिंद। चिंता चित से कज दे साए, सतगुरु करेंगे तेरी सहाय। मैंने चिंता नहीं की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बात और सुना देता हूँ, ताकि चिंता न करो। मेरी जब पहली पोस्टिंग होनी थी पटियाला में, तो मुझे ऑर्डर मिला कि आप 90 में जाकर मेडिकल करवा के आओ, पटियाला का CMO नाभा में बैठता था, तो मेरे पास 20 रुपए थे, मुझे क्या पता
जब मैं चंडीगढ़ से चला पटियाला को तो मेरे जिप्पे में 25 रुपए थे, किराए में लग गए, रिक्शे में ले गए, बीस लेके मैं वहाँ पहुँच गया। कोई ख्याल ही नहीं कि मेरे पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए, मैं जहाँ ठहरा दोस्त थे ले लेता। 16 रुपए जमा हो गए फीस, बाकी क्या बचा? चार या 3 रुपए। थूक टेस्ट करने वाला साहब, आपको नौकरी बहुत बढ़िया मिली है, चल दे साहब ने रुपया, उसको भी दे दिया। फिर कोई और आ गया, 3 रुपए थे, वो 3 के 3 में मैंने बांट दिए। अपना नहीं ख्याल किया, पे तभी कुछ खाना, कुछ वेर तक कुछ नहीं खाया सी, क्योंकि मेडिकल होना सी। ठीक है, मैं तुम्हें पक्का कर रहा हूँ, पक्का, हाउ ही टेक्स केयर। चलो पैसे खत्म हो गए, 1:30 बज गया, CMO साहब खाना खाने चले गए। जब वो भी चपरासी जरा सी, उन्होंने भी मैं 100 रुपये देता सी, क्योंकि आजकल सेवा तो सारी जगह होंगी है ना। कहना सर साहब चले गए, उन्होंने 2 बजे आना, 2:30 बजे आना, तो तुसी भी कुछ खा पी लो, आराम कर लो। मैं क्या खाना पीना सी, वहाँ पत्थर के बेंच बने हुए थे, वहाँ लेट गया, नलका चलता सी, पानी पी लिया। मैं कह वाह बाबा तेरी मौज तेरी मौज। वो 2:30 बजे आए, तब वो चपरासी आ गए, कहना साहब आ गए। मैं चला गया, बाकी नहीं मैं बताऊँगा। उन्हें मैनू 2-4 गल्ला हुई साड़िया, उन्हें भी मुबारक दीतिया, मैं CMO ने भी मुबारक दीतिया। मैंने अपने सर्टिफिकेट जेब में डाले, अब हॉस्पिटल से बाहर आ गया, अब सोचा कि बस वाला तो तेन बचाले ले जाएगा, नहीं किदा जाना। अंदर से आवाज़ आई रेलवे स्टेशन, वाह रेलवे स्टेशन चलते हैं, फल लोग देंगे TT नूं भी 10 मेरे को कुछ भी नहीं, आ महीना होया अपने छड़ दूँ, चल चलिए बस स्टैंड रेलवे स्टेशन। मैं चल पाया, अगस्त का महीना, गर्मी बड़ी, 3 बजे होंगे, 3 बजे में आपको पता है अगस्त में कितनी गर्मी होती है। अभी मैं 100 मीटर नहीं गया हूँगा, 100 मीटर पीछे से एक लड़का नौजवान आप जैसा साइकिल पर आया, कहता अंकल जी आपने रेलवे स्टेशन चलना है, मेरे साइकिल पर बैठो। मैं साइकिल पर बैठ गया, मैं बड़ा शुक्र किया कि 2-2.5 किलोमीटर तक गर्मी से जाना सी। उन्हें साइकिल खड़ा किया, कहता अंकल जी आ जाओ। इतना तकड़ा सी वो मुंडा, तकड़ा सी जवान सी, अपने वकील साहब वर्गा समझ लो। साइकिल खड़ा करके मैनू चाह वाली दुकान पर इतने बैठो, जल्द गड्डी दे रहा आने वाली है। जाता जाता वो चाह और बिस्कुट के ऑर्डर दे गया, ध्यान ना सुनना, चाह और बिस्कुट के ऑर्डर दे गया। चाह का बड़ा गिलास पंजाब का होंदा, तो बिस्कुटा की एक कौली भरी हो मेरे को। मुंडा जल्द जान लगा, मैं क्या बेटा बात सुन, मेरे को पैसा तो कोई है नहीं, इन्हें मैंने फल लेना, तुम चाह पी ले पैसे दो। मैं क्या बेटा बस मैं तो ऑर्डर नहीं दिता। कहता तुसी नहीं ऑर्डर दिता, बाबू जी देगा, जा उन्हें क्या बाबा जी देगा जा बाबू जी, मैं नहीं समझ सकिया। वो सिर्फ ये गल कह के चला गया, मैं चाह पी ली, बिस्कुट खा लिया, मैंने तसली हो गई थोड़ी सी। मैं क्या शुक्र है हूँ पेट से कुछ बन गया, बड़ा उसका शुक्रिया। चाह खत्म हुई, वो मुंडा वापस फिर आ गया। नाभा टू पटियाला ट्रेन का टिकट और 8 आने नकद उन्हें मेरी जेब में डाल, मेरी जेब में। मैं कहने बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी, टिकट मैनू मिल गया, मेरे को पैसे नहीं थे, टिकट दे दिया, तेरी बहुत मेहरबानी, मैं पटियाले पहुँच जाना। कहता जी 8 आने भी जरूरी है, जल्द मीह पैदा होगा तो तुम कि घर पहुँचोगे? ये 8 आने रिक्शे बस। मुझे अब सीन याद आ रहा है, मुझे वो सीन अब याद आ रहा है जब गाड़ी पटियाले पहुंची थी, इतनी बारिश पूछो मत, वाह लाइन पड़ी पड़ी सड़के। मैंने पूछा भाई रिक्शे वाले नू लैल को नहीं जाना, किन्ने पैसे लेगा? कहना बाबू जी अज मीह बहुत पिया, सड़क भरिया पाइया, पहले 4 आने ले लिया, अज 8 आने ले। 8 आने देकर मैं घर पहुंच गया। अब तुम बताओ कि मैं क्या कह रहा हूँ,
वट आई एम सेइंग टू यू, हमने अपनी चिंता का ठेका ले लिया कि मैं ही करूंगा तो होना, नहीं तो नहीं होना। मैंने ऐसे कानों को हथ लगाया हुआ है, अब चिंता नहीं करना है और चित्त में नहीं जाने देना है इसको। मन में आए तो कोई बात नहीं, निकाल दो, सिमरन करने बैठ जाओ, चिंता चली जाएगी। मन की चिंता सिमरन से चली जाएगी, मन की चिंता सिमरन से चली जाएगी, चित्त की चिंता ध्यान से जाएगी। मेरी बात को और पकड़ो, मन की चिंता सिमरन से चली जाएगी, चित्त की चिंता ध्यान गुरु के ध्यान से जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो दूसरी लाइन। मैंने आपको जिंदगी का बताया कि है इंसान, तू गुरु के पास आया है, गुरु की शरण में आया है, तो चिंता करनी छोड़ दे, अपनी सब कुछ उसके हवाले कर दे, उसके हवाले कर दे अपने जीवन को। जो मिला प्रेम से उसको खा लेना है, जो मिला उसको पहन लेना है, जो हुक्म दिया काम करना है दिल लगा कर करना है, कोई अपना स्वार्थ नहीं रखना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहा मैंने, पढ़ो। सुमिरन भजन ध्यान चित देना, सुमिरन भजन ध्यान चित देना, जग में सुयसे कीर्ति लेना। कहते फिर तुम क्या करो, चिंता की तो बात ही खत्म हो गई, वो खुद ही करेगा, तुम क्या करो, सिमरन ध्यान और भजन ये करना है, इससे दुनिया में सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये कुंजी है संत मत की, संत मत की ये चाबी है, इसको लगा दो, तुम्हारी दुनिया अपने आप बनती जाएगी। क्या कहा मैंने, सुबह शाम दादा यही तो कहते थे, सुबह शाम अपने आप को उसके हवाले करते रहो, बस तू मेरा मैं तेरा, बस खत्म हो गई, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसका रूप अपने दिमाग में रखो कि वो है और उसके बगैर और कुछ भी नहीं। जैसे इन्होंने कहा, हरिबिन कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, बाकी दुनिया सहायता करेगी आपकी, लेकिन मतलब के लिए करेगी। जब तक मतलब है दुनिया तुम्हारी जी हाँ में जी हाँ करती जाएगी, जब मतलब पूरा हो जाएगा, तू कौन ते मैं कौन। क्या कहा मैंने, दुनिया का तो ये व्यवहार है, ये दुनिया ऐसी है, दुनिया का मतलब है दोरी, दो तरह की, इसके कांटे इधर भी हैं इधर भी हैं। बुजुर्ग हमारे कहा करते थे, द्राटी द्राटी होती ना कहा बढ़ने वाली, उसको एक तरफ डालते होते हैं एक तरफ, क्या दुनिया को दोनों तरफ है, इधर को भी काटेगी इधर को भी काटेगी। इसीलिए इस दुनिया की क्या बात करनी है, मेरी दुनिया ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार दुनिया की दुनिया जिसको कहते हैं, ये उस प्रकृति की है, मालिक की दुनिया है, इसको कोई बदल नहीं सकता, वो बदलेगा तो बदलेगी, इंसान इसको बदल नहीं सकता। सतयुग से लेकर अब तक बड़े संत आए, महापुरुष आए, दुनिया पहले से भी बदतर से बदतर होती जा रही है ना, बदल गया सब कुछ, कहाँ सब कुछ मतलब का हो गया है, धर्म मतलब के हो गए, तीर्थ स्थान मतलब के हो गए, सब ठेके चढ़ने लग गए, कुछ भी नहीं है यार, कहाँ है कुछ भी, सच्चाई कहीं नहीं है, क्योंकि ये दुनिया काल पुरुष की है, ये दुनिया काल पुरुष की है, हम अकाल पुरुष के बच्चे हैं, तो हम अकाल पुरुष के बच्चे होते हुए इस काल की दुनिया में विश्वास क्यों करें, हम अकाल पुरुष पर क्यों ना विश्वास करें, उस हरि पर क्यों ना विश्वास करें जो गुरु के रूप में हमारे सामने आया, उस पर क्यों ना विश्वास करें, क्योंकि वो तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो गुरु बोलेगा। तू तो आया नरदेही में धर्म कीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा, तीन ताप से जीव दुखी है नेबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान देता। तो गुरु सब कुछ करने वाला होता है, भगवान कुछ भी नहीं करता, वो दखल नहीं देता, लेकिन गुरु दखल देता है, गुरु हमें रास्ता बताता है और उस रास्ते पर हमने चलना। वो कहते तू अपनी चिंता छोड़ दे और क्या कर,
तू उस नाम का सिमरन कर, गुरु का ध्यान कर और अपने अंदर की आवाज़ को सुन। तुम्हारे अंदर जो आवाज़ है वो मन की नहीं है, वो आत्मा की भी नहीं है, वो जो आवाज़ जहाँ से आती है वो है, उसको केवल सुरत सुनती है, उसको तुम बता नहीं सकते वो क्या है क्या नहीं। जैसे इस लड़की ने मुझे बताया कि मुझे ऐसी आवाज़ आई, ऐसे वो मन की आवाज़ है, वो आवाज़ कोई और सुन नहीं सकता, वो सुरत सुनती है और उसको बताया नहीं जा सकता, वो अकेय है, अपार है, अनाम है, उसका नाम नहीं है, वो असली धुन है, उसको असली धुन, उसको सार शब्द कहते हैं, वो यहाँ से आता है और उसको ये कान नहीं सुनते ना, उसको मन के कान भी नहीं सुनते। हमारे सपने में मन के कान होते हैं ना, सपने में हमारी आँखें भी हैं, कान भी है, पूरे हैं, हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, दौड़ते भी हैं, सपना पूरा शरीर होता है, और लेकिन वो सूक्ष्म शरीर होता है, ये शरीर तो सोया हुआ है, इसको तो पता ही नहीं, लेकिन मन पूरा काम कर रहा है आपका, देखो अपने स्वप्न को देखो, इसलिए उसको कहते हैं ये सपना है दुनिया। तो क्या करना है, सपना की सुमिरन ध्यान और भजन, मूर्ति गुरु की, नाम गुरु का और ध्यान भी गुरु का, फिर कुछ भी चिंता नहीं है। अगर अंदर नहीं गुरु आता तो आंखें खोल कर देख लो, आँखें खोल कर देखते जाओ, आंखें खोल कर देखते जाओ, आंखें वो तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर सुमिरन भजन ध्यान चित देना, जगम सुयस कीर्ति लेना। सुजस मिलेगा आपको, सुजस मिलेगा आपको, कोई बुराई नहीं करेगा, दुनिया तो बुराई करती है, गुरु नानक को नहीं छोड़ा लेकिन हम इच्छा ना करें कि मेरा जाशो ना, बे नाम बिल्कुल शांत रहो, कोई ना कहे किसी को, जाने नहीं कोई कि तुम कौन होता है। भक्ति महातम प्रभाव कुचीना, भक्ति महातम प्रभाव कुचीना, सुख आनंद घट पाए। कहते भक्ति की महात्मा को समझो, भक्ति क्या है, भक्ति है केवल एक के साथ प्यार करना, उसको भक्ति कहते हैं। जो तरह तरह की जगह पर दौड़ा फिरता वो विभक्त हो गया, वो अलग अलग हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, अपने मन के टुकड़े नहीं कर, मन एक है, तुम भी एक हो, तुम्हारा शरीर भी एक है, तुम्हारी आत्मा भी एक है, तुम्हारा सेल्फ भी एक है, तो इन चारों को एक के साथ जोड़ दो तब कल्याण होगा। ये नहीं कि शरीर कुछ कर रहा है, मन कुछ कर रहा है, आत्मा कुछ चाहती है, तो तुम तो बटे हुए हो, बिखरे हुए हो, आज बिखरे हुए हैं हम, इंसान कहाँ नजर आता है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई दाता दयाल, कोई कहता मैं ज्ञानी हूँ, कोई कहता मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, कोई कहता मैं योगी हूँ, कोई कहता मैं सन्यासी हूँ, कोई कहता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कोई कहता मैं गुरु हूँ, कोई कहता मैं चेला हूँ, कहते हैं ना, सभी कुछ ना कुछ बने हुए हैं, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं बनना, बनेगा तो मेरा गुरु ही बनेगा, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, इट इज़ ही जो मेरा सहायता कर रहा है, वो ही है सब कुछ, कोई हमेशा अंग संग है, सर्वव्यापक है, निराधार है और हमारा वो कल्याणकारी है, सर्वव्यापक है। क्या कहा मैंने आगे, क्या दुख पाता क्यों घबराता, क्यों दुख पाता क्यों घबराता, सतगुरु ते हैं पितु माता। खत्म कर दी बात, तू क्यों घबराता, कहे के लिए दुख पाता है, वो सतगुरु तेरे माता पिता है। एक जब एक दुनिया का माता पिता होता है ना, वो शरीर का जन्म देने वाले हैं, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे सेल्फ का कौन माता पिता है, वो गुरु है, और गुरु कहाँ से आया, वहाँ से आया। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, मैं अनामी धन से आया हूँ, यही कहते थे, सुना होगा आपने,
मैं अनामी धाम से आया हूँ। अरे बच्चों, तुम भी वहीं से आए हो, तुम भूले हुए हो, तुम्हें समझ नहीं है, इसलिए मैं तुम मेरे पास आए हो। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मेरी आँख खुल गई, तुम्हारी आँख बंद है, बस इतना फ़र्क है। क्या कहा मैंने? दाता दयाल कहते हैं, ए इंसान, तू क्यों दुखी होता है, क्यों चिंता करता है? तू मान ले कि तेरे माता पिता हैं। जो माता पिता दुनिया वाले हैं वो तो चले गए, लेकिन फिर भी तू यतीम नहीं है। तेरा पिता, तेरे माता हमेशा है। तू ही पिता है, तू ही मेरी माता, तू मेरा बंधफ, तू ही मेरा भ्राता। ये शब्द गुरबाणी में भी आता है, गुरबाणी में भी है, और दाता दयाल ने भी यही शब्द कर दिया। एक जगह वो दाता दयाल भी लिखते हैं कि तू ही पिता, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता। दाता दयाल का भी एक शब्द ऐसा है। आगे क्यों दुख पाता, क्यों घबराता, सतगुरु तेरे हैं पितु माता। जो कोई चरण शरण में जाता, जो कोई चरण शरण में जाता, उसे वह लेंगे बचाए। तो क्या कहते हैं, दुनिया गुरु की शरण में नहीं जाती। कहते जो कोई उसकी शरण में जाए उसको वो बचा लेते हैं, यही कहा ना, उसको लेते हैं वो बचाए। जो कौन जाए? जो गुरु की शरण में जाए। अब गुरु की शरण में दुनिया क्या उससे, दुनिया से बचने के लिए जाते हैं? वो तो कोई ना कोई डिमांड लेके जाते हैं, गुरुजी हमारा ये हो जाए, गुरुजी हमारा ये। मैं देखा, सबको देखा, बड़े बड़े डेरों में जाने वालों को देखा, कोई भी इंसान गुरु की शरण में नहीं जाता। गुरु की शरण में केवल वो है जो कभी कुछ मांगता नहीं है। इसलिए बाबा फकीर जी कहा करते थे, तुम भिखारी हो जो मांगते फिरते हो, भिखारी की कौन कदर करता है? तुम्हारे घर में कोई मांगने के लिए आए, दरवाजे पर आके खटखटाए और मांगे, तुम क्या कहोगे? दो पैसे, चल भी चल, चल आगे चल, ऐसे करोगे ना? कोई भिखारी की कदर करता है? तुम मेरे पास आते हो, कभी कोई कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कुछ कभी मत मांगो। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ बच्चों। मैं 18 साल की उम्र में महाराज के चरणों में गया, घर में बहुत गरीबी थी, बात मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन मैंने कभी कोई घर की बात या अपनी बात महाराज जी से कभी नहीं कही कि पिताजी आज मेरा पेपर है, मुझे आशीर्वाद दे दो। कुछ नहीं कहा, क्योंकि पहले दिन ही मुझे विश्वास हो गया था कि ये मेरे सतगुरु हैं, ये मेरा सब कुछ जानते हैं। ये एग्जाम्पल मुझे कब मिली, मुझे ये विश्वास कब आया? जब मैं पहले दिन दाता के दरबार में मास्टर मोहन लाल के घर गया, तो वो तो मैं तो उनको जानता नहीं था, ना वो ही मुझे जानते थे कि ये कौन बच्चा है, कहाँ से आया, क्या कौन करता है। तो जाकर मैंने, क्योंकि मेरे साथ कृष्ण में ऐसा हुआ, जब उन्होंने मुझे देखा दूर से तो मेरे शरीर में एक कशिश आ गई, एक करंट आया उनकी नज़र से, तो मैं समझ गया कि यही मेरे सतगुरु हैं। मैंने जाकर उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। मैं ये नहीं कि मत्था टेक के वहाँ बैठ गया, जब वहाँ बैठ गया, नहीं, मैं वहीं बैठ गया उनके पास सामने। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने किताब उठाई, सार्वचन, थोड़ी देर के बाद हुजूर ने किताब उठाई सार्वचन, उसमें पहले निशान लगा के रखा हुआ, और वो खोल के मेरे पास बैठा दी, दे बच्चा ये शब्द पढ़, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अब मुझे उस वक्त विश्वास हो गया, ओए बाबा तो मेरा इंतज़ार कर रहा सी, यही मेरा गुरु है, यही मेरा सब कुछ है। क्या कहा मैंने? पहले दिन ही मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मुझे यहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी नहीं कहूँगा कि महाराज जी मुझे ये चाहिए, कभी नहीं कहूँगा। क्या कहा मैंने? मैंने पूर्ण शरण ली हुई है, मैं तेरे शरण में हूँ, जैसे चाहे मर्जी रख ले, तेरी मौज है, लेकिन कभी कभी मुझे मेरा मन मारता है,
आपको बता देता हूँ। कब मारते हैं? जब मैं उनकी वाणी को भूल जाता हूँ, जब उनकी लिखित को भूल जाता हूँ, फिर उठकर एकदम दौड़ूंगा अंदर, फिर जाकर फिर खड़ा हो जाऊंगा, लिखा हुआ पढ़ लेता हूँ। ये है मेरे गुरु जी, तू कल ही घबरा गया, क्या कहा मैंने? मेरी बात समझ गए? तो वो तुम्हारी सहायता करते हैं। फिर पढ़ो यही लाइन जो शरण में आता है, जो कोई चरण शरण में जाता उसे वाले जे बचाए, उसे खुद ही संभाल लेते हैं। सीधी बात है, तुम शरण में आ जाओ, मंगने की लोड़ नहीं है, मांगो नहीं, हाँ अंदर का कोई सवाल है तो वो पूछ लो, मैंने वो भी नहीं पूछा। आपको बता देता हूँ, मुझे सारा अनुभव करवा दिया, अनुभव करवाने के बाद कहा बेटा अब ईंचा ऊंचा अभ्यास नहीं करना है, बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तेरी नौकरी है, तुम सिर्फ सिमरन और ध्यान किया करो, बस वहाँ तक मुझे सीमित किया हुआ है। अब कब उनकी मौज होती है ये तो वो जाने, मुझे क्या चिंता किस बात की, मैं नहीं चिंता करता ना। तब राधा स्वामी साचे हैं रखवारे, राधा स्वामी साचे हैं रखवारे, रहे तो उनके चरण सहारे। फिर तुम्हारा कौन सहाई है? राधा स्वामी। राधा स्वामी कोई आदमी नहीं है, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, ये दोनों तुम्हारे अंदर हैं, ये दोनों तुम्हारे अंदर हैं, और इसका पता सतगुरु देते हैं बच्चे को बैठा कर कि देख बेटा ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तुम उनकी संगत में होगे, वर्षा हो जाती है, तुम्हें कुछ नहीं कहने की बात, वो खुद ही तुम्हारा रास्ता साफ कर देते हैं अपने बचनों से, तो तुम्हें चिंता किस बात की, या क्यों घबराना। बड़ी मौज है उस दाता की, बड़ी मौज है, बड़ी कृपा है, हमेशा ये समझो को बड़ा दयालु है, वो मेरा है और मैं उसका। मैं एक दफ़े की आपको बात सुनाता हूँ, मैं गया चंडीगढ़, वहाँ मेरे बहुत प्रेमी हैं, एक मेरा प्रेमी अमेरिका से आया हुआ था, वो सुबह मैंने रात वहाँ ठहरना था, डॉक्टर साहब के घर थे, वो कहते आज सर हमारे पास ठहरोगे, मैं कहा अच्छा मैं आज रात ठहर लूँगा, क्योंकि बहुत बातें चलती रहती, रात 12 बज जाएंगे बातें करते करते। अश्विनी सवेरे आ गया, पिता महाराज जी आज दोपहर मेरे पास, मैं कहा अच्छा अश्विनी दोपहर तेरे पास चलेंगे, वो आया गाड़ी लेकर मुझे घर दे गया, कमरे में बैठा दिया। मैं देखा अश्विनी ये एसी कब लगवाया, एसी क्यों लगवा लिया, मेरी का महीना था, कहता महाराज जी आज मैं किराए पर ला के लगाया 6,000 रुपया महीना, मेरे बापा जी महाराज जी ने आज आना है तो उनको पक्खे में नहीं रखूँगा। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं होंगे यार, तू एम 6,000 रुपया खराब किया, 1 घंटा 2 घंटे तेरे पास सुपना था, चलो रहे बातें करते करते सो गए, गर्मी बहुत थी, 5:30 उठे तो चाय बन गई, चाय पी ली, मैं कहा अब 6 बजे रहे, डॉक्टर साहब के घर भी जाना है, वो भी इंतज़ार करते रहते हैं, हम तो 6 बजे हम इकट्ठे चाय पीते हैं, तो चलो वहाँ चाय पी और डॉक्टर साहब के घर पहुँच गए, तो वो अभी चाय पीने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी पहुँच गया, अश्विनी भी पहुँच गया, तो डॉक्टर साहब की वाइफ कहती महाराज जी मैंने खुद बेसन बनाया है आपके लिए, तो डॉक्टर साहब कहते छोड़ो महाराज जी ने ये चीज़ें खाते, रहन दे तू अमीन खराब करेगा, पर नहीं उन्हें एक टुकड़ा मैनू देता, मैं खा गया चाय पी ली, डॉक्टर साहब भी बाजार चले गए, अश्विनी भी बाजार चला गया, और मेरे अंदर गैस पैदा हो गई वो टुकड़े ना। क्योंकि डॉक्टर साहब ने कह दिया ना फिर खराब करेगा, गैस पैदा हो गई, 1/2 घंटा हो गया, तो मैं बचेरा तड़फिया तुड़फिया कुछ नहीं होया, कभी मैं आसन लगाऊँ बजर आसन लगाऊँ ना जी कितने कुछ नहीं बनता। मैं घर टेलीफोन किया बहू को, मैं कहा बेटे मेरे तो गैस पैदा हो गई, वो कैप्सूल बता कौन सा है, तो उसने एकदम मुझे मैसेज कर दिया ये कैप्सूल बताइए जड़ी मंगवा लो,
तो मैं अश्विनी को फ़ोन कर दिया, अश्विनी तू एक कैप्सूल लेके आ। वो सारे काम छड़ के कैप्सूल लेके आ गया, मैं खा लिया, कोई फर्क नहीं पाया। डॉक्टर साहब भी आ गया, डॉक्टर जी मिश्र कहती महाराज मैं गर्म पानी की लाऊं बोतल वो रखो। मैं क्या क्या कर ले रहन दो, मैं तकलीफ बहुत है, इतना हाथ खड़े रखे मैं हाय ना कहूँ, उनके घर में हाय कैसे कहूँ। जो गैस चढ़ती है ना जब नीचे को जो ऊपर को आती है तो बहुत तकलीफ होती है, मैं जानता हूँ इस बात को। डॉक्टर साहब खड़े, उनकी वाइफ खड़ी है, तो अश्विनी खड़ा, तो मैं कुछ नहीं कहा, मैं ध्यान किया, इदा ध्यान किया बचा लो छोड़ो। मैं ऐसे प्रभु जी एक दोरी हाथ मारे, मैंने यहाँ से हाथ उठाया और ऐसे कह दिया प्रभु जी डोरी हाथ मारे, अब और कुछ नहीं। बच्चों आप हैरान होंगे कि मेरा हाथ यहाँ गया नहीं और गायब हो गई, गैस कहाँ गई मुझे नहीं पता। मैं क्या अश्विनी अचंभा हो गया, डोरी ले ली, मेरे कोई गैस नहीं है। आप समझ गए, बड़ा कोई पता नहीं लगा पे गैस थी या नहीं थी। ये मैं अपनी बात बता रहा, मैं ये अपनी बात बता। कर्म और चीज है, कर्म और चीज है, कर्म भी कट जाते हैं, सूली की सुई बन जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर किसी के पैसे देने हैं वो तो देने ही पड़ेंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे, वो पैसा देंगे तो तभी राम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या कहा मैंने, ये दूसरी बात मैंने आपको सुना दी है। जहाँ पैसा देने का सवाल है वो आदमी तुमसे किसी न किसी बहाने पैसे ले जाएगा। क्या कहा मैंने, फिर पढ़वा दे। राधा स्वामी साच है रखवारे, सच्चे सच्चे जो असली रखवारे है साढ़े ओ राधा स्वामी है। और राधा स्वामी कौन है, गुरु है, गुरु है रखवारा। गुरु कैसे रखवारा है, उसका वचन रखवारा है, वचन वाणी गुरु, गुरु है वाणी बिच वाणी अमृत सारे। जिसने वाणी को पकड़ लिया और उस पर चल पड़ा वो बच जाएगा, जो केवल पढ़ता है पाठ करता है वो नहीं बचेगा ना। क्यों कह पे मैं पाठ कर लिया, मैं मंत्र पढ़ लिया, मैं इन्हें माला फेर ली ना, उसका कोई मतलब नहीं। अरे हाथ का माला छोड़ दो, मन की माला फेर लो, तब कल्याण हो जाएगा। मन शांत कर लो, शीर शांत हो जाएगा। तन थिर मन थिर सुरत नृत थिर हुए, ये तीनों चीज़ें नृत थिर होनी चाहिए, फिर क्या होगा। कहे कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई, कोई भाग्यशाली होगा जो इस मोमेंट को पाता है। मोमेंट कुछ मोमेंट लगते हैं, दाता परमदयाल जी महाराज कहा करते थे मैं वहाँ जाता हूँ एक मिनट या दो मिनट से ज़्यादा वहाँ ठहर नहीं सकता, ये बिल्कुल ठीक कहते थे, वहाँ ठहरा नहीं जाता लेकिन अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं इन तीनों से ऊपर हूँ। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, अंग्रेजी में बोला करते थे, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल। शरीर मन और आत्मा के एहसासों से आगे जाओ, वहाँ तुम्हारा सतगुरु खड़ा है। क्या कहा मैंने, और यही बात दाता दयाल कहते हैं कि कौन सच्चा सहारा है, वो राधा स्वामी है। और राधा स्वामी कहाँ है, वो यहाँ है, हमारे शरीर में फैला हुआ है, हमारे शरीर के रोम रोम में वही है, ये धड़कन उसी के कारण हो रही है, नब्ज उसी के कारण चल रही है, हमारा दिल उसी के कारण धड़क रहा है। जब वो नहीं होगा सारा शरीर शांत हो जाएगा, तो उसको देखना है कि वो कौन है, वो असल में तुम वो हो, तुम शरीर या मन नहीं हो। शरीर पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, मन पर भी तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, आत्मा पर भी तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, इनको चलाने वाली कोई और हस्ती है, और वो हस्ती जो है वो राधा स्वामी की अंश है, उसको ढूंढना है मेरे प्यारे बच्चों, उसको ढूंढने की कोशिश किया करो।
और सुबह शाम अपने आप को उसके हवाले करते रहा करो, तुम्हारी संभाल होती जाएगी। क्या कहा मैंने? पढ़ो आखिर। सुने की बात को प्यारे, सुने की बात को प्यारे, अपना मन समझाए। ये सच्ची बात कही है दाता जल, कहते मैंने कि तुम्हारा रखवाला राधा स्वामी, राधा स्वामी है, इसको सच्ची बात कह दी मैंने, इसको मन को समझा लो, मन को इधर उधर ना भटकने दो, इसको ठहरा दो कि तू कुछ भी नहीं है, तेरा मालिक ए है बस। कौन? सामने फोटो, ए तेरा मालिक है, तू नहीं है मेरा मालिक, ए मेरा मालिक है। गुरु के फोटो पर ध्यान करो, उसका रूप बना लो अपने अंदर। और यही कहा गया है सनातन धर्म में, यही कहा गया है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये गुरु की कृपा से होगा जो कुछ होगा। आपने क्या करना है? ध्यान करना है और गुरु के रूप का ध्यान करना है, बस ये करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको, आप सुखी रहो। ये ख्याल आया आज, ये ख्याल आया सुबह, मैं ऊपर बैठा था, मैं सुबह मकान से ऊपर चल जाता हूँ, खुली जगह में चल जाता हूँ, बरामदे में पंखा चलता है तो वहाँ बैठता हूँ, ध्यान में चला गया, ध्यान में ये शब्द आ गया और मेरी सारी कहानी सामने आ गई कि तूने क्या किया। तन से किया ही कुछ नहीं, चल सत्संग ही इससे पर होगा। क्या कहा मैंने? सुखी रहो बच्चों, आप इतनी दूर से चल कर आते हैं, यहाँ के स्थान से प्यार करते हैं, मेरे सच्चे दिल से चाहता हूँ मालिक तुम्हें शरीर की तंदुरुस्ती दे, सबसे पहले मन को शांति दे और खाने को इज्जत की रोटी दे और आपके घरों में सुख और शांति हो, यही स्वर्ग है और स्वर्ग कहीं नहीं है। सबको बहुत बहुत प्यार भरा, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।